हो सकता है ये छोटा चैनल है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने 10 या फिर 12 दिन में अपने YouTube चैनल का, जो आपका नया चैनल है या फिर पुराना चैनल है, उस पर आप कैसे काम करके, यानी कि अच्छे से अच्छे SEO करने के बाद कैसे आप 10 या फिर 20 दिन में अपनी जो है YouTube की वीडियोज़ को वायरल कर सकते हैं। तो मैंने इस चैनल को बनाया था गाइस 10 जून को एंड आज है गाइस 1 जुलाई, यानी कि 20 से 21 दिन में मेरी वीडियोज़ तो पहले ही वायरल हो चुकी थी, लेकिन मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो गाइस प्रूफ के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया, अब आगे बात करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में देख लिया मेरा प्रूफ, तो पूरा वीडियो आपको वीडियो के बीच में दिखा दूंगा मैं, ठीक है, वहाँ पे आपको बता दूंगा क्या कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले गाइस, मैं किसी भी ट्यूब बड़ी को यूज़ नहीं करता हूँ एंड फालतू में पैसा वेस्ट करना थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। तो गाइस, कैसे आप अपने YouTube चैनल, अगर आपका नया नया है तो आप भी अपने YouTube वीडियोस को वायरल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारा मुद्दा क्या है कि अगर आपका YouTube चैनल नया है तो आपका वीडियो वायरल होने में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पुराने चैनल से भी नए चैनल में वीडियो वायरल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो गाइस, इसका एल्गोरिथम ऐसा ही काम करता है। तो गाइस, अगर आपका चैनल नया है और अगर आपने अच्छे से SEO करना सीख लिया, तो गाइस आपका चैनल मेरे ही वीडियो के, मतलब मेरे चैनल के जैसे आपका भी वीडियो 20 दिन के अंदर अंदर, हालांकि मेरे 10 दिन से ही मतलब वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो चुके थे, तो लेकिन गाइस मैंने कैसे SEO करा, कैसे मैंने टैग वगैरह डाला, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड कहां कहां से डाला वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर न्यू हियर एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड गाइस, जब से जियो आया है तब से मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो गाइस बिलीव तो कर ही सकते हो। तो चलिए आज किस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं, और हाँ कमेंट में बता देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, इसके लिए आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। तो गाइस, पहले आपको समझना होगा कि आपके YouTube वीडियोस पे कैसे SEO करना है। देखो गाइस, सबसे पहले आपको बारीकी से समझना होगा, अगर आप SEO करोगे तो व्यूज़ आएंगे, अगर व्यूज़ आएंगे तो अगर बाई चांस वॉच टाइम बढ़ जाता है तो वीडियो वायरल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और गाइस, वॉच टाइम अगर बढ़ जाता है ना किसी भी वीडियो का, तो वो अपने आप सजेशन में दिखाने लग जाता है, YouTube का जो एल्गोरिथम है उसे सपोर्ट करता है, YouTube खुद उसे प्रमोट करेगा दूसरों लोगों के सामने, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉरी गाइस, मैं अपना जो सब्सक्राइबर है वो हाइड करके रख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो गाइस, मेरे सभी वीडियोस लगभग अच्छे व्यूज़ आए हैं लगभग 20-21 दिन में, अभी जो कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है मेरी वीडियोज़ पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइस, एक वीडियो पर मैंने बहुत मतलब मेहनत से SEO करा था, तो मैंने उतना अच्छा वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है जो मैं उस ट्रिक को यूज़ करता हूँ। लेकिन गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने ये करा था, कि कैसे मैंने SEO करा, क्या क्या करा। हो सकता है ये आपको बहुत ही मतलब कॉमन लगे ये बातें, लेकिन जो मैंने कराया ना, बहुत ही आपको बहुत ही मतलब बारीकी से समझना होगा। जैसे यहाँ पर टैग देख सकते हो मेरा, जो रिलेटेड टैग डालो गाइस, कोई भी मतलब होता ना कि किसी टेक्निकल गुरुजी का टैग डाल दिया इस वीडियो पे, या फिर मनुष्य दे का डाल दिया, किसी का भी डाल दिया, तो गाइस इसमें आपको जो है टैग और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी उल्टा फुल्टा नहीं लिखना है, जो आपके वीडियो से रिलेटेड है सेम टू सेम 100% आपको वही लिखना है। क्योंकि आप अगर उल्टा फुल्टा टैग लिखोगे ना, तो इसमें क्या होगा कि आपकी वीडियो सर्च में नहीं आएगी और एल्गोरिथम को पता नहीं चलेगा कि भाई इस बंदे का वीडियो किस टॉपिक पे है, ठीक है। टाइटल में कुछ, डिस्क्रिप्शन में कुछ और थंबनेल में कुछ, तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। थंबनेल भी सॉरी YouTube का जो एल्गोरिथम सिस्टम है वो भी आपको मतलब अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि मेरा ये वीडियो कितने नंबर पे रैंक कर रहा है। मेरा 20 दिन का चैनल गाइस, 20 डेज का चैनल का वीडियो कितने नंबर पे रैंक कर रहा है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो बहुत ही मतलब अभी तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं डेली, है ना, 150-100 व्यूज़ आ रहे हैं नया चैनल, समझ सकते हो गाइस। यहाँ पर देख सकते हो मेरा अभी आ चुका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पे मेरा वीडियो आ रहा है गाइस। देखो पीछे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इसी टॉपिक पे, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो आगे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पे वॉच टाइम ज़्यादा है एंड ये वीडियो पे मतलब मैंने थंबनेल भी बहुत ही HD क्वालिटी का एंड बहुत ही सोच समर करके डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का थंबनेल बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव मैंने डाला हुआ है, तो कोई भी बंदा देखेगा तो मेरा वीडियो से मतलब क्लिक करेगा ही। सो गाइस, टैग लिखने का सबसे बेस्ट तरीका और थंबनेल तो बनाना कैसा है वो तो आपको बहुत सारे वीडियोस पे मिल जाएंगे, लेकिन गाइस जो मेथड मैंने यूज़ करा, जो मैं
2016 से यूज़ कर रहा हूँ, 15 से यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है, ठीक है, तो मान लो कि हाउ टू यूज़ फेसबुक FB, ओके। सो मैंने ये जो टाइटल है ये क्लिक करा, एंड आपको जो है गूगल बहुत सारे बहुत सारे आपको ब्लॉग पोस्ट दिखाएगा, या फिर आपको कोई होता ना लाइक वेबसाइट दिखाएगा जो कि रैंक करा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, पूरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या कैसा है, ठीक है। तो इसके बारे में हाउ टू यूज़ फेसबुक यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो गाइस यहाँ पर नीचे आना है, एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे ये जो आपको दिख रहे हैं, हाउ टू यूज़ फेसबुक इन हिंदी, हाउ टू यूज़ फेसबुक 2020, हाउ टू यूज़ फेसबुक फॉर बिजनेस, तो ये सारे जो सर्चेबल टाइटल है, तो ये आपको टैग में भी डालना है, एंड हो सके तो डिस्क्रिप्शन में डालो। तो जो वीडियो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया गाइस, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो मैं कैसे टैग यूज़ करता हूँ, कैसे डिस्क्रिप्शन यूज़ करता हूँ। जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन टैग दिखा दिया कि कैसे मैं यूज़ करता हूँ, एकदम प्रॉपर यूज़ करो, ऐसा मत करो कि टेक्निकल गुरु जी का या फिर मनोज दे का या फिर किसी और के नाम का जो फेमस है ऑलरेडी, उनका जो है थंबनेल सॉरी टैग यूज़ मत करो, क्योंकि उससे आपका गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। और जब भी आपका मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा तो यूट्यूब प्रॉपर चेक करता है, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है आपके मोनेटाइजेशन में, क्योंकि आपने जो है गड़बड़ वाले होता है ना लाइक जो है वो नहीं आपने लिखा है, ठीक है। तो आपने आलतू फालतू अगर लिखते हैं तो आपको बाद में जा करके प्रॉब्लम हो सकती है। एंड डिस्क्रिप्शन में टैग की बात तो हो गई गाइस, टैग में आपको ये सब सर्चेबल टॉपिक वगैरह डाल देने टैग में। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो है किसी एक वेबसाइट का उठा लेना है, तो मैं यहाँ पर ये उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ टू यूज़ फेसबुक, तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, इसमें आपको गाइस ओके ये वेबसाइट पहले खुल जाए तो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ओके तो आवर फेसबुक गाइड, ओके सो यहाँ पर साइनिंग अप, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेसबुक के बारे में एवरीथिंग बताया हुआ है आपको। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ये आपका होगा डिस्क्रिप्शन। लेकिन गाइस रुको ज़रा, इसे आप कर लो कॉपी, ठीक है, इसे आप कॉपी कर लो। कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो है अपना जो नोटबुक है, ठीक है, आपका जो नोटबुक है ये नोटबुक में आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ये आप डायरेक्ट अगर कॉपी पेस्ट करके डालोगे, आपको बहुत सारा यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि फेसबुक के बारे में, ठीक है, आपके ही टॉपिक के ऊपर आपको ये सब लिखना होगा। तो गाइस इसमें क्या होगा कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो आपको समझेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के तौर पर। तो गाइस यूट्यूब को समझने में बहुत ही आसानी होगी, और इस कीवर्ड्स के चलते भी आपका जो है यूट्यूब वीडियोस रैंक हो सकता है, ठीक है। तो बस मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ, एंड ऐसे ही जो है जैसे तैसे कैसे वायरल हो गया वीडियो, तो मैं आपको बता दिया। और अगर आपको और ऐसी चाहिए वीडियो SEO के रिगार्डिंग, तो मेरे को कमेंट कर देना। और सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, और बता देना कमेंट में कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय।